वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम यहाँ पर आप सभी का स्वागत करते हैं और प्रदेश से पधारे हमारे सभी पत्रकार बंधुओं का हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि भैया की कर्मभूमि शिवानेर में आप पधारे, बुधनी में आप पधारे, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। पधारे समस्त अतिथि, हमारे समस्त वरिष्ठ समाज से भी वरिष्ठ राजनेतागण का भी हम यहाँ पर स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मध्य प्रदेश के लाखों लोग करोड़ों पेड़ लगाने निकल पड़े हैं। अमरकंटक से मैं चला हूँ, अद्भुत दृश्य चारों तरफ दिखाई दे रहा है। माताएं, बहनें, नौजवान, बच्चे, किसान, समाज के हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, शासकीय अशासकीय अलग अलग तरह की संस्थाएं, जिसमें मीडिया और पत्रकार मित्र भी साथ हैं, वृक्षारोपण के अभियान में आ चुके हैं। ये अभियान बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो नर्मदा जी को बचाने के लिए, क्योंकि नर्मदा जी पेड़ों की जड़ों का प्रसाद है। मेकल सुता शिव कन्या तो है, लेकिन पेड़ों की जड़ों से प्रकट होती है। अगर पेड़ रहेंगे तो नर्मदा जी की गोद में जल की धार रहेगी और नर्मदा जी के पानी को मध्य प्रदेश में हर कहीं हम ले जाते हैं जहाँ पानी की आवश्यकता होती है। ये नर्मदा जी को बचाने का प्रयास है, ये पर्यावरण को बचाने का प्रयास है। आप सबकी जानकारी में है, पेरिस सम्मेलन में दुनिया ने चिंता प्रकट की थी कि धरती की सतह का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा 2050 तक, और इसी गति से अगर धरती का तापमान बढ़ता रहा, ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र के आसपास के इलाके डूब जाएंगे और भविष्य में ये पृथ्वी लोगों के रहने के लायक नहीं बचेगी। ये धरती को बचाने का भी अभियान है। भारत ने भी संकल्प लिया था कि धरती की सतह के तापमान को कम करने के लिए वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगा। मेरे देश ने जो संकल्प लिया था, समझौते पे मैं संकल्पबद्धता प्रकट की थी, उस संकल्प को पूरा करने का प्रयास मध्य प्रदेश की जनता कर रही है। पर्यावरण तो बचेगा ही, लेकिन हमने इसको नैतिक अभियान का रूप भी दिया है, क्योंकि मुझे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो कम से कम नैतिक रूप से हम इतने संकल्पबद्ध तो हों कि इतने पेड़ लगाएं कि मेरे लिए जितनी जरूरी ऑक्सीजन है कम से कम वो मुझे प्राप्त हो जाए। मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने लायक ऑक्सीजन देने लायक पौधों का वो रोपण करें। मध्य प्रदेश ने अपने इस कर्तव्य को समझा है और समाज के हर वर्ग के लोग आज वृक्षारोपण के लिए निकले हैं। चारों तरफ नर्मदा तटों पर, इनकी कैचमेंट एरिया में कर रहे हैं, नर्मदा तटों पर इतनी जगह नहीं थी, उत्सव का माहौल है और ये अभियान एक जन आंदोलन और जन उत्सव के रूप में बदल गया है। आप लोग पधारे, इसलिए आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। एक एक पेड़ जरूर लगा के जाए और फिर आगे मिलेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे उनका।